भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और यूट्यूबर गौतम सिंह के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। दरअसल खेसारी लाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से एक पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कार्रवाई की मांग की है। खेसारी लाल ने यूट्यूबर गौतम सिंह के फेसबुक लाइव का कुछ अंश काटकर शेयर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये यूट्यूबर मुझे गालियां दे रहा है और मेरी बेटी और बीवी से रेप की धमकियां दे रहा है, ऐसे जहरीले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं दोनों के विवाद के बाद अब भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला है। उन्होंने कहा कि भोजपुरी में गीत संगीत के माध्यम से जिस तरह जातिवाद का जहर बोया जा रहा है, उस पर अंकुश लगाया जाए, नहीं तो बिहार की प्रतिष्ठा न धार्मिक स्तर पर, न सामाजिक स्तर पर और न ही राजनीतिक स्तर पर बच पाएगी। इसी के साथ पवन सिंह ने कहा है कि भोजपुरी के कुछ कलाकारों की वजह से बिहार में जातीय उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसे रोकने के लिए आप एक ऐसा कानून बिहार में लाएं जिससे भोजपुरी भाषा की गरिमा और बिहार के अस्तित्व को बचाया जा सके। इन सभी मामले पर बिहार के कला संस्कृति मंत्री आलोक रंजन झा ने कहा कि गानों में जातीय शब्द का उपयोग कहीं से भी सही नहीं है, ये समाज को तोड़ने का काम करता है, ऐसी शिकायत आने पर कार्रवाई की जाएगी। मैंने आप लोग के माध्यम से सुना है कि कुछ लोगों ने गाना में भी जाति की बात शुरू की है। वैसे भी जाति, जहां भी जाति की चर्चा होगी वो किसी भी समाज के लिए समाज को तोड़ने का काम करता है। इसलिए यदि वो गाना में जाति हो, अन्य स्तर पर जाति की चर्चा हो, वो सब समाज को एक साथ लेके चलने में रुकावट पैदा करता है। इसलिए ये चीज़ नहीं होना चाहिए। हमारे नज़र में अभी तक ऐसा कोई, आप लोग कहते हैं कि लोग डिमांड किए हैं, मुख्यमंत्री जी से डिमांड किए हैं, मेरे पास ऐसा कोई डिमांड या ऐसा कोई पत्र नहीं आया है। पत्र आएगा तो फिर हम उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से इस पर बात करेंगे। भोजपुरी में सर सेंसर होना चाहिए सर, मुख्यमंत्री जी को लेटर भी लिखे थे पवन सिंह इस। हाँ, ये आप लोग के माध्यम से हम सुने हैं, इसलिए हमने कहा कि हमारे पास कोई ऐसा पत्र हमको नहीं मिला है, जब मिलेगा तो फिर उस पर जो है सो उसके लिए। और निश्चित रूप से हर जगह जाति की चर्चा नहीं होनी चाहिए, किसी जाति को किसी एक गाना के माध्यम से या वैसे कहीं पर बोलचाल के माध्यम से। बिहार के सभी जाति एक हैं, सबको एक साथ लेके चलने का बिहार का स्वभाव रहा है। बिहार वह स्थल है जहाँ की सभी जाति एक साथ रह करके एक जैसा रहने का बिहार का स्वभाव है। उसमें किसी जाति को यदि कोई किसी रूप में टारगेट करता है, जो कि आपके माध्यम से हम सुने हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। और ऐसा कोई पत्र मेरे पास नहीं है। होता है तो कार्रवाई करेंगे, होगा तो हम इसके लिए फिर उसकी जो जहां हमको बात करने की आवश्यकता है वहां बात करेंगे। सर ऐसा लगता है सर भोजपुरी सिनेमा और गानों के लिए सेंसर बोर्ड होना चाहिए? नहीं, हर जगह जब सेंसर बोर्ड है तो निश्चित रूप से भोजपुरी में क्यों नहीं होगा, भोजपुरी में भी होना चाहिए। क्यों सर? निश्चित रूप से वो तो, लेकिन राज्य में सेंसर तो होता नहीं है। बिहार में कोई फिल्म या गाना तो बनता नहीं है, वो तो ऊपर स्तर पर होता है। तो मान लीजिए सर बनने लगा है गाना, सर नहीं, ठीक है, आपने ध्यान में दिया है, अभी तो जब फिल्म नीति बनेगी तो उस पर भी विचार किया गया। मंत्री जी एक सवाल है, जिस राज्य में बीजेपी शासित प्रदेश है वहाँ पे बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, बिहार में 21% बेरोजगारी दर है और हरियाणा जो कि बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पर। भोजपुरी संगीत का अपना स्वर्णिम इतिहास रहा है, भिखारी ठाकुर से लेकर भोजपुरी संगीत के धरोहर रहे हैं, लेकिन आजकल भोजपुरी सिनेमा अश्लीलता का पर्याय बनता जा रहा है। डिजिटल क्रांति के इस दौर में भोजपुरी गायकों की बाढ़ सी आ गई है, सरकार को जल्द एक ठोस कानून बनाकर इस पर रोक लगाने की जरूरत है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।